एक महान व्यक्तित्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और उनके जीवन के कई ऐसे संदेश हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। उसी के अंतर्गत जन जन तक स्वास्थ्य का लाभ पहुंचे उसके लिए हेल्थ एश्योरेंस स्कीम, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, शुरू की गई। तो इसी जो पूरे प्रक्रम में हमने इस योजना के सीईओ डॉक्टर आर्य शर्मा सर से बात करने के प्रयास में हैं। प्रणाम सर, नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद सर, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। भारत में एक नहीं करोड़ों लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत है, और उनमें से हम आपका 2 मिनट ले रहे हैं। ये भी हमारा उद्देश्य है कि लोगों को पता चले ये योजना क्या है, और इसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले नंबर तो आपका धन्यवाद, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया रेडियो सुन सुनकर ही बड़े हुए हैं। तो इसलिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है जी, कि हमें इंश्योर करना है, हमें सुनिश्चित करना है कि इस देश के हर गरीब को जब वो बीमार हो तो उसको उचित इलाज मिले, और उसी से इलाज मिले जिस प्रकार से बाकी लोगों को मिलता है। और कम से कम ऐसा होता है कि जब कोई बीमारी आ जाती है किसी घर में, गरीब आदमी के घर में, तो वो गरीबी के गर्त में डूब जाता है जी। तो हम लोगों का यही आयुष्मान भारत का यही संकल्प है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, कि कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसके इलाज का खर्चा सरकार उठाए जी। और इसी दृष्टिकोण से किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज अब तक इस योजना में हो चुका है, करीब 27,000 करोड़ रुपए का व्यय इसमें हो चुका है। और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना के अंतर्गत ला करके उनको लाभ दिलाएं। इस योजना के अंतर्गत सर क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, और उसको व्यक्ति को कौन कौन से अस्पतालों में लाभ मिलता है, अधिकतम कितनी धनराशि का उसे मुफ्त इलाज मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इस योजना में करीब 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष प्रति परिवार इलाज करवा सकता है व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य। तो पहली बात तो अमाउंट की, और दूसरी बात सारे रोगों का इलाज इसमें होता है, और हमारे करीब 1600 पैकेज हैं। और तीसरी बात यह है कि इसमें करीब 24,000 अस्पताल हमारे पास प्रतिबद्ध है, सूचीबद्ध है, एम्पैनल्ड है, जिन अस्पतालों में व्यक्ति का इलाज हो सकता है, और उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें कि आधे के करीब करीब प्राइवेट अस्पताल हैं और आधे के करीब करीब सरकारी अस्पताल हैं। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आपको जैसे आज किसी को चोट लगी उसको 25,000 रुपए का खर्चा आया, उसके बाद कुछ और बीमारी आ गई 70,000 का, मतलब 5 लाख उस बांट सकता है सर, या एक ही बार में उसका इलाज होना है? जी नहीं, 5 लाख जितनी बार हो जाए, जिस सदस्य को हो जाए वो सबके लिए 5 लाख तक का एक लिमिट है। तो विवाहित कन्या जो उनके परिवार की है वो भी उसमें हिस्सा है, या उसका क्या परिभाषा है सर उसमें परिवार की? नहीं, परिवार की परिभाषा तो जो नॉर्मल सामान्य परिभाषा है वही परिभाषा है कि इसमें पति पत्नी उनके बच्चे सम्मिलित हैं, और मान लीजिए कोई परिवार बड़ा परिवार हो गया तो उसमें पुत्र वधू भी अगर आ गई तो वो भी सम्मिलित होंगी, और अगर वो अलग परिवार बन जाए तो एक वो अलग मुद्दा है। तो इसलिए परिवार की परिभाषा, नॉर्मल परिभाषा जो होती है वही परिभाषा है। जी, जी। कन्या की शादी हो गई और कन्या दूसरे परिवार में पहुंच गई और उस परिवार का अंग बन गई, तो ठीक है, वो वहां से इलाज का फायदा उठा वहां से ले सकते हैं। जी जी। अच्छा सर, इसमें औषधियां जो है, दवाई डॉक्टर साहब लिखते हैं, वो भी क्या इसमें शामिल है सर? सब कुछ शामिल है। देखिए, डॉक्टर्स जो दवाई लिखते हैं वो बस उनकी सारी की सारी जो पूरा का पूरा पैकेज में दवाई, ऑपरेशन, अस्पताल का स्टे, वो सारी की सारी चीजें शामिल हैं इसमें। क्या बात है डॉक्टर शर्मा जी, आपने तो बहुत ही बड़ी बात बताई। मैं समझ रहा हूँ भारत सरकार के पास योजनाएं हैं, बस कमी इस बात की कि हर व्यक्ति तक वो बात पहुंचे, हर व्यक्ति उस बात को समझे कि ये सरल है इसे प्राप्त करना। अगर किसी को लेना है तो सर ये और बता देंगे कहां संपर्क करे इस योजना का हिस्सा बनना चाहता है? पहले बात तो हम लोग ये कर रहे हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हम लोग कार्ड दे रहे हैं लोगों को कि भाई आप इस योजना के पात्र हैं, और अगर आपने कार्ड नहीं बनवाया है तो अपना कार्ड जो सेवा केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, उस पर जाकर के अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे कि जब आप बीमार हो तो आपके काम आए। और आप उसके पात्र हैं कि नहीं, इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है, जो आप अपना पात्रता जानने के लिए आप एक पर्टिकुलर नंबर पर फोन कर सकते हैं। वो क्या नंबर है सर? माई PMJY करके ऐप है, उसको डाउनलोड करके अपनी पात्रता जान सकते हैं। तो ये बहुत आसान 1-4-555 नंबर है हमारा, 1-4-555 1-4-5-5-5। डॉक्टर शर्मा ने बताया 1-4-5-5-5। और सर वो वेबसाइट का नाम और ऐप का नाम एक बार और बता दें सर। ऐप का नाम MyPMJY, MyPMJY, MyPMJY।
MYPMJAY ये ऐप है, इसे फोन में डाल लीजिए और आराम से इसको ढूंढिए और आराम से आपको मिल जाएगा इसका आंसर। जी जी जी, उसमें अपनी पात्रता भी पता चल जाएगी कि हम पात्र हैं कि नहीं, पूरा डिटेल दे करके आप उसमें पता लगा सकते हैं। जी, अब इस वर्ष की क्या, अगले वर्ष की क्या आपके लक्ष्य हैं सर, ये बता दें। और हम लोगों का लक्ष्य यही है कि जितने भी लाभुक हैं हमारे, जितने भी लोग हैं इस जो इस योजना में शामिल हैं, उन सबको हम कार्ड दे दें, जिससे कि उनको दोबारा कोई खोजने की जरूरत ना पड़े। उनके पास एक अधिकार पत्र टाइप का एक पत्र हो, एक छोटा सा कार्ड हो, जिसको जा करके दिखा सकते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, और उसके आधार पर वो अपना इलाज मुफ्त ले सकते हैं। ये हम लोग का लक्ष्य है कि सारे बेनिफिशियरीज को हम ये काम कर दें। माननीय प्रधानमंत्री ने आपका उल्लेख किया, इस योजना का उल्लेख किया, तो उस समय आपको कैसा लगा सर, कि ये लगा कि हाँ ये मुद्दा है जो आम जनता तक बार बार पहुंचाया जाना चाहिए, या क्या अनुभूति हुई सर आपको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है मन की बात, उसको तो हम बड़े मनोयोग से सब लोग सुनते हैं, पूरा देश सुनता है जी। और वो बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारी योजना भी आज उन्होंने अपने संभाषण में सम्मिलित की। उसके अलावा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक कार्यक्रम है, तो आइडिया यही है, विचार यही है कि हम किसी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से अदरवाइज कोशिश करें कि हमारे देश में अच्छी क्वालिटी की सुविधा उपलब्ध हो सके, सब लोगों को अफोर्डेबल हो, सब लोगों को एक्सेसिबल हो, यही हम लोगों की मान्यता है और प्रयास है। और उस प्रयास में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इंस्पिरेशन है, उस इंस्पिरेशन के मुताबिक हम लोग काम करते रहे जी। और आपकी स्पिरिट देख के सर हमें भी लग रहा है कि क्योंकि जितनी चटपट आप और जितनी फुर्ती से आप जवाब दे रहे हैं, हर एक बिंदु आपकी उंगली पर है, ये सुनकर और आशान्वित हैं हम लोग कि ये योजना और जन जन तक पहुंचेगी। और ये स्वास्थ्य का जो डर है ना कि भाई मैं कहां जाऊंगा, बीमार हो गया तो मेरा कौन देखभाल करेगा, सरकार है उनके लिए, है ना सर? जी 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 जी, थैंक यू। थोड़ा मैं माई PMJY नहीं, वो मेरा PMJY है। मेरा PMJY MERA PMJAY है। हाँ, फिर से नोट कर लीजिए दोस्तों, ये मेरा PMJAY है, MERA PMJAY। डॉक्टर राज शर्मा जी, बहुत बहुत आपका साधुवाद। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि आपको इसकी ऊर्जा मिले, कि आप और जनता तक आप ये सेवा पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और आकाशवाणी से बात करना हमेशा ही बड़ा ही प्रेरक, बड़ा अच्छा लगता है। लोग बड़े मनोयोग से और बड़े चाव से आज भी लोग सुनते हैं आकाशवाणी के कार्यक्रमों को। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर, नमस्कार सर।